आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फिफ्थ का 8th चैप्टर वह दिन भी क्या दिन थे के प्रश्न उत्तर, और साथ साथ में हम इनको लर्न भी करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो प्रश्न क्या है कि जो कुम्मी को किताब मिली थी उस वो कब छपी थी। तो इसका उत्तर आएगा, कुम्मी के हाथ जो किताब आई वह आज के ज़माने की छपी हुई होगी, क्योंकि जो कुम्मी है वो भविष्य में है और जो किताब है वो वर्तमान में छपी है। तो वो किताब कब छपी है, वो किताब आज के ज़माने की छपी हुई होगी। तो हम उत्तर लिखेंगे, कुम्मी के हाथ जो किताब आई है वो आज के ज़माने की छपी हुई होगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार होगी, क्या सचमुच में ऐसा होता है। तो प्रश्न क्या है कि रोहित कह रहा था कि कितनी बहुत सारी पुस्तकें बेकार चली जाती होंगी, क्योंकि एक बार पढ़ ली जाती होंगी और वो फिर बेकार हो जाती होंगी, क्या आप सोचते हो कि ऐसे होता है। तो इसका उत्तर है, हाँ सचमुच ऐसे ही होता है, कई पुस्तकों में एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं और वह बेकार हो जाती है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा, हाँ सचमुच में ऐसा ही होता है कि कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं और वो बेकार हो जाती हैं। तो रोहित ने जो कहा था वो क्या सच था, हाँ सच था, क्यों ऐसा ही होता है, कई पुस्तकें एक बार पढ़कर फेंक दी जाती हैं और वो बेकार हो जाती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों। तो हमारा प्रश्न है कि आप कागज़ वाली किताब में पढ़ना पसंद करोगे, जैसे अभी आप अपनी बुक से पढ़ते हो, या फिर टेलीविज़न से, टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब से, आप किसको पसंद करोगे। मैं तो पन्नों वाली किताब को पसंद करूँगी। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है, हम कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उससे पढ़ना तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है कि हम कागज़ के पन्नों की किताब को ही पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहेगी और दूसरा उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। तो बच्चों क्या लिखोगे आप, कि हम कागज़ के पन्नों की किताब को ही पसंद करेंगे, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास रहेगी। तो दूसरा पॉइंट है कि उसे पढ़ना तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें थी। तो बच्चों आज जैसे हम मीन्स की पेजेस के ऊपर प्रिंटिंग होती है उसी के ऊपर पढ़ते हैं ना, तो पहले क्या था, पेपर नहीं थे, तो लोग जो था किसके ऊपर प्रिंटिंग करते थे। तो चलो देखते हैं कि पहले छपाई किससे होती थी, कागज़ से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों तथा धातु से बने पत्रों पर होती थी। धातु मीन्स मेटल, मेटल के जो थे ना पतले पतले पत्थर बनाए होते थे और उनके ऊपर लिखा जाता था। तो किसके ऊपर होती थी छपाई कागज़ से पहले, कागज़ से पहले की छपाई लकड़ी, पत्तों और धातु के बने पत्रों पर होती थी। किसके ऊपर होती थी, लकड़ी के ऊपर, पत्तों के ऊपर और धातु के बने पत्रों पर होती थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से, दोनों के पढ़ने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं। तो बच्चों आप किससे पढ़ना पसंद करोगे, प्रश्न है कि आप मशीन से पढ़ना पसंद करोगे या अध्यापक से। तो चलो देखते हैं, हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे, अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन कई बार अध्यापक बच्चे को कुछ विषय नहीं समझा पाते। वही मशीन से पढ़ाई में बच्चों को समझने में मुश्किल होगी, लेकिन मशीनी पढ़ाई से सभी विषयों की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो हम बच्चों इसका उत्तर क्या है, हम लर्न करने में कि हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे। क्यों करना पढ़ना चाहेंगे अध्यापक की मदद से, क्योंकि जो अध्यापक है वो बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं, है ना। तो कई बार कुछ विषय मीन्स की कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अध्यापक बच्चों को नहीं समझा पाते। ये हो गया मुश्किलों वाला काम, और आसानी वाला कौन सा था कि कुछ विषय जो है अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं। तो दूसरा आप करेंगे मशीन का,
वही मशीन से पढ़ाई से बच्चों को मुश्किल होगी समझने में, क्योंकि जैसे अध्यापक समझा सकते हैं वैसे सब मशीन तो समझा नहीं सकती ना। अबे मशीन को तो पता नहीं चलेगा ना बच्चे को किस पॉइंट पे आके प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मशीनी पढ़ाई से कुछ विषयों की जानकारी है, जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हमें अच्छे से समझ आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, वह दिन भी क्या दिन थे। प्रश्न, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली ये बात तुमने कभी कभी किसी से सुनी है। अपने बीते दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वह दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो बच्चों हम मोस्टली यही करते हैं, जो हमारे दिन बीत जाते हैं हम उनको याद करते हैं और सोचते हैं कि वह दिन भी क्या दिन थे। मोस्टली हम सोचते हैं क्योंकि हमें जो टाइम निकल जाता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है मुझे बताना कमेंट बॉक्स करके, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आगे। जब हम छोटे थे तब सभी हमसे बहुत प्यार करते थे, साथ ही हमारे सभी इच्छाएं माता पिता द्वारा पूरी की जाती थी। उन्हीं दिनों के लिए हम कहना चाहेंगे कि वह दिन भी क्या दिन थे, कल आज और कल। तो बच्चों कौन से दिनों को कहना चाहोगे? इसमें कहा कि जब हम छोटे थे हम उन दिनों को कहना चाहेंगे कि वो दिन भी क्या दिन थे। क्यों कहना चाहेंगे? क्योंकि सभी हमें बहुत प्यार करते थे, हमारी सारी विशेष जो थी हमारे मम्मा पापा के द्वारा पूरी की जाती थी, और उन्हीं दिनों को याद करके हम कहेंगे कि वो दिन भी क्या दिन थे, क्योंकि तब हमें कोई डांटता भी नहीं था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, परेशान 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये कैसी होगी। तो बच्चों जो एक बुक है परेशान, जो कब छपी थी 1967 में छपी थी, उसमें सिर्फ इमेजिनेशन की गई थी कि आने वाले टाइम पे स्कूल की जगह जो है मशीनें ले लेंगी। तो हमें भी कल्पना करनी है कि आने वाले और 50 सालों बाद इन चीज़ों में क्या बदलाव आएगा, जैसे पेन, घड़ी, है ना, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न। तो चलिए देखते हैं पेन में क्या आएगा चेंज। बहुत साल पहले पेन लेज़र किरणों वाले हो सकते हैं जिससे दूर से भी लिखा जा सकता है। आपने लेज़र्स देखा है ना कभी, तो वैसे ही पेन बन जाएंगे, हम दूर से भी पेन से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बहुत साल बाद जो पेन है लेज़र किरणों वाले हो जाएंगे और जिससे दूर से भी लिखा जा सकता है कि हम दूर बैठे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है घड़ी, घड़ी में क्या चेंज आएगी। बहुत सालों बाद घड़ी कंप्यूटर के माध्यम से चलेगी तथा उनमें सुइयां भी नहीं होंगी। तो घड़ी में क्या आएगी कि घड़ी में सुइयां होंगी ही नहीं, जैसे आजकल घड़ियों में सुइयां है ना तीन, तो बाद में क्या होगा, घड़ियों में सुइयां होगी नहीं और ये कंप्यूटर से चलेंगी। तो नेक्स्ट है टेलीफोन और मोबाइल। तो इसमें है बहुत सालों बाद टेलीफोन मोबाइल का आकार काफ़ी छोटा हो जाएगा, इनमें सब सुविधाएं भी होगी। तो क्या हो जाएगा, जो टेलीफोन है और मोबाइल है, आपने देखा होगा पहले मोबाइल कितने बड़े बड़े थे, लेकिन अब भी छोटे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे इनका आकार और भी छोटा हो जाएगा और हमें इनसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो नेक्स्ट है टेलीविज़न, टेलीविज़न में क्या है, बहुत सालों बाद टेलीविज़न काफ़ी पतले आकार के आने लगेंगे, जो दीवार पर ही लटके जा सकते हैं। तो बच्चों आपने पहले के टेलीविज़न देखे होंगे ना, एक डिब्बा सा होता था, है ना, तो आजकल क्या आ गया, LCD LED आ गया है ना। तो आने वाले टाइम पे क्या होगा, टेलीविज़न जो है दीवारों पर लटकेंगे और बहुत पतले हो जाएंगे, ठीक है। तो रसोईघर का सामान, और रसोईघर का सामान में क्या चेंज होगा, आने वाले समय में रसोईघर में इस्तेमाल होने वाले सामान में भी काफ़ी आधुनिक होगा, इसमें बहुत सी चीज़ें बिजली से चलने वाली होंगी, ठीक है ना। जैसे आजकल भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक कैटल आई है जिसमें हम अपनी पानी गर्म करते हैं ना, तो राइस कुकर आया है जिसमें हम, वो क्या है, इलेक्ट्रिक आइटम है ना। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो मीन्स की बिजली से चलेंगी, ठीक है। तो हम और रिवाइज कर लेते हैं, क्या है, तो पेन का क्या है कि पेन लेज़र किरणों वाला होगा जिससे हम दूर से भी लिख सकते हैं। तो घड़ी, घड़ी की सुइयां नहीं होंगी, ये किसके द्वारा चलेगा, कंप्यूटर के माध्यम से चलेगा। और टेलीफोन और मोबाइल, इसका इनका आकार मीन्स कि इनका साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी। टेलीविज़न में क्या चेंज आएगा कि ये काफ़ी पतले हो जाएंगे और
हम इनको दीवार पर लटके देखेंगे। तो नेक्स्ट रसोई घर का सामान कि बहुत सारा जो सामान है रसोई में इस्तेमाल करने वाला वो बिजली से चलेगा। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, नीचे कुछ वस्तुएं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। मीन्स कि जो चीज़ों को हमें नाम दिया गया है कि उनकी जो कीमत है, कॉस्ट है, 20 साल पहले कितनी थी और आज के टाइम पे कितनी है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, जैसे आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल, दूध। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आलू आज से 20 साल पहले क्या कीमत थी, 1 से 2 रुपया पैसे प्रति किलोग्राम। तो कितने सस्ते थे, है ना। आपने कभी पैसे देखे हैं घर पे, मम्मा पापा से पूछना, शायद कोई कॉइन पुराना पड़ा हो तो उनको बोलना कि वो आपको ज़रूर दिखाएं। तो आज के टाइम पे इतना कितना दाम है आलू का, 10 से 15 रुपये किलो। तो लड्डू, लड्डू किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है लड्डू। तो पहले 20 साल पहले कितने कैसे किलो मिलते थे जी, 4 से 5 पैसे किलोग्राम, कितने सस्ते थे, और आज 60 से 70 रुपये किलो। तो शक्कर, शक्कर मीन्स चीनी, ये थी 1 से 2 पैसे किलोग्राम और आज मिलती है 17 से 18 रुपये किलोग्राम। ठीक है, और जो दाल है वो मिलती थी 4 से 5 पैसे किलोग्राम और आज मिलती है 35 से 40 रुपये किलोग्राम। और जो चावल थे वो मिलते थे 3 से 4 पैसे किलोग्राम और आज के टाइम पे 20 से 30 रुपये किलोग्राम। नेक्स्ट है दूध, दूध पीते हो आप, तो वही दूध आज से 20 साल पहले था 2 से 3 पैसे प्रति किलोग्राम, आज है 20 से 26 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट है आज हमारे कई काम कंप्यूटर्स के मदद से होते हैं। सोचो और लिखो के अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में मीन्स कि आ गया है तो हमारे काफ़ी काम आसान कर दिए हैं इसने, है ना। तो देखते हैं कि हम अपना पर्सनली यूज़ के लिए हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं और पब्लिकली कहाँ करते हैं। तो चलो देखते हैं, व्यक्तिगत मीन्स पर्सनली, सार्वजनिक मीन्स पब्लिकली। तो व्यक्तिगत के लिए करते हैं मनोरंजन मीन्स एंटरटेनमेंट होता है हमारा, हिसाब किताब करते हैं, है ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं कंप्यूटर से, पढ़ाई लिखाई करते हैं, करते हैं ना आजकल हम, तो विभिन्न जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ टॉपिक के ऊपर हम नॉलेज गेन करते हैं ना। तो क्या है तीसरा, फोटोग्राफी भी करते हैं हम कंप्यूटर से, हो गया पर्सनल। और सार्वजनिक क्या है, रेल बस टिकटों की बिक्री में और सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, जैसे हमें किसी इंडस्ट्री के बारे में पता करने हो, विभिन्न उद्योगों की जानकारी के लिए, सूचनाएं प्रसारित करने के लिए, जैसे हमें बहुत सी न्यूज़ जो हैं वो कंप्यूटर से मिलती हैं और नौकर से संबंधित। ठीक है, कौन कौन से हैं व्यक्तिगत, जैसे हम अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, अपनी हिसाब किताब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अपनी स्टडीज़ करते हैं और काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर हम नॉलेज गेन करते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। आप कौन कौन सा काम करते हो व्यक्तिगत पर्सनली, तो एक बार फिर देख लेते हैं। एंटरटेनमेंट, हिसाब किताब, एंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन, हिसाब किताब के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए और फोटोग्राफी के लिए और थोड़ी सी नॉलेज गेन करने के लिए। सार्वजनिक कैसे होती है, रेल बस टिकटों की बिक्री में हम खरीदते हैं ना आजकल ऑनलाइन मीन्स की रेल बस टिकटें, है ना, वैसे ही। सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, कुछ इंडस्ट्री के बारे में जानकारी करने के लिए, न्यूज़ के बारे में देखते हैं और नौकरी से संबंधित मीन्स कि अगर कोई पोस्ट निकली है तो हम देखते हैं कि वो अप्लाई हम कर सकते हैं कि नहीं, वो सारा डाटा कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। तो नेक्स्ट है, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करें या बताने में भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखें। तो बच्चों जैसे हमें जानकारी मिलती है ना, काफ़ी तरीक़ों से मिल जाती है, कभी हमें किसी के द्वारा मिलती है, कभी हम न्यूज़ से लेते हैं, कभी हम जो कंप्यूटर में न्यूज़ आती है उससे लेते हैं ना, कभी रेडियो, है ना। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है, हमें उनका वर्गीकरण करना है। जैसे कौन कौन सी जानकारियाँ हैं, संदेश, फ़ोन, चित्र, फैक्स, अभिनय, विज्ञापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, नृत्य के हाव भाव, संगीत, भाषा, मोबाइल, संदेश, इश्तिहार, तो हम इनका वर्गीकरण करेंगे।
तो उन्होंने कहा है कि ऊपर दी गई जो जानकारी है वो एक तरफा भी हो सकती हैं और दो तरफा भी हो सकती हैं। तो जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा प्रशोषण होता है उनके आगे ए वाला एरो लगाओ, और जिनके तरफ दो संवाद के लिए ये दो एरो का निशान लगाना है। तो जानकारी के लिए हमें क्या क्या है, जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, संदेश से है ना, अगर हमें कोई संदेश मिला हो या कोई चित्र हो है ना, कोई पिक्चर हो जैसे पब्लिकली प्रिंट की है उससे भी हमें जानकारी मिलती है ना। तो फिर फैक्स के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, नोटिस के द्वारा, टीवी के द्वारा और इश्तिहार के द्वारा, और हमारी भावनाएं मीन्स कि हम अपनी फीलिंग कैसे शेयर करते हैं, फ़ोन से अभिनय करके है ना, एक्टिंग करके है ना, एक्टिंग करके भी हम अपनी फीलिंग शो शेयर करते हैं ना। तो नेक्स्ट टाइम मोबाइल के द्वारा जिससे हम बात कर रहे हैं ना, तार से, मोबाइल से, संदेश है ना, संगीत, भाषा, नृत्य के हाव भाव, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है, तुम अपनी डायरी और किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, ये तुम्हारी अपनी मर्जी। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छुपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसे कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उनका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन के बारे में लिखने का शौक़ होता है, तो वो उनको बाद में प्रिंट करवाते हैं तो वो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो आप उसको पढ़ो और उसके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर डिस्कस करना। प्रश्न, अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो, मीन्स कि आप अपनी डायरी लिखते हो क्या? जब मैं छोटी थी तब मैं तो लिखती थी, तो अगर आप लिखते हो तो आप खुद भी लिख सकते हो इसका उत्तर कि आप अपनी डायरी में क्या क्या लिखते हो। लेकिन हम इसका उत्तर देखेंगे, मैं पाँचवीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे सभी प्यार करते हैं, मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आते रहता हूँ, मैं अपनों से बड़ों का आदर छोटों से प्यार करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ, मैं रोज़ सुबह ईश्वर की वंदना और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। तो बच्चों, अपने बारे में क्या लिखेंगे कि मैं पाँचवीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे सभी प्यार करते हैं, मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आ गई हूँ, मैं बड़ों का सत्कार करता हूँ और छोटों से प्यार करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, रात को जल्दी सो जाता हूँ और भगवान का वंदना भी करता हूँ। तो नेक्स्ट है, डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे आप डायरी लिखते हो तो उसके आप अपने स्कूल में के बारे में उसमें क्या लिखोगे? तो इसका उत्तर है, डायरी में हम अपने स्कूल की गुण विशेषता और यहाँ होने वाली पढ़ाई के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना, कि आप स्कूल में आपको कैसी नॉलेज मिलती है, आप कैसे पढ़ाई करते हो, आप वो सब लिख सकते हो। तुम भी कल्पना करो, मीन्स कि इमेजिनेशन करो। प्रश्न, दोस्तों के साथ बात करके एक अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें से क्या क्या बदलाव आ जाएगा। किन किन में 50 साल के बाद बदलाव के बारे में बात करेंगे? फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में और स्कूल में बारे में। फिल्मों में क्या आएगा? फिल्म में आधुनिकता पर जो की जाने लगेगी वह जे कम समय की हो जाएंगी, मीन्स जो फिल्में हैं अभी जैसे 3 घंटे की और जे इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है गांव की हालत, मीन्स की जो विलेज की हालत है वो कैसी होगी, गांव की हालत में काफ़ी सुधार हो जाएगा, गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी, मीन्स सभी फैसिलिटीज मिलेंगी हमें वहाँ पे। तुम्हारी परिचित किसी नदी में, हमारी परिचित नदी में जल स्तर कम हो जाएगा, जल स्तर मीन्स पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और इसका पानी कोई वही दूषित हो जाएगा, मीन्स की जो पानी है वो दूषित हो जाएगा, क्योंकि आजकल हमने काफ़ी का फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लग रही है ना, उसकी वजह से नदियों का जो पानी है वो ख़राब होता जा रहा है। स्कूल काफ़ी विकसित हो जाएंगे और कापी पाकर काम कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन आंसर। तो आगे है, 80 वोम की कहानी 2155 जाने भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ था जो बीते समय के बारे में बताता है, ऐसा क्यों? तो बच्चों, ये जो कहानी है ये भविष्य के आधार पर लिखी है, तो जैसे कि अभी तो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, तो लेकिन उसमें थे का क्यों इस्तेमाल हुआ था? तो चलो देखते हैं, कहानी में थे का इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए किया गया है, क्योंकि ये कहानी भविष्य के आधार पर लिखी गई है, ठीक है, मीन्स कि भूतकाल लिखी भविष्य में है, तो अगर उसके पास्ट में भूतकाल के बारे में बताएंगे तो थे का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जब मुझे बहुत डर
लगा था जब मैं जब छोटा था, इस चीज़ से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो कि जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत डर लगा था। तो इसका शीर्षक हम क्या बनाएंगे, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कमरे में अकेला नहीं रहता था, क्योंकि एक बार मैं कमरे में अकेला था तब एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जिससे वह मुझे बहुत डर लगा। तभी से मैं अंधेरे कमरे में अकेले नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, कि जब मैं छोटा था तो मैं कमरे में अकेले नहीं रह सकता था, क्योंकि एक बार जब मैं कमरे में अकेला था तो बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी जिसकी वजह से मैं बहुत डर गया था। ठीक है, तो आगे है तुम्हें मैच शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है, अपने स्वभाव, अच्छाइयाँ, कमियाँ, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो, या किसी मैच का आंधे का हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा हो। तो पहले हम अपने बारे में लिखेंगे, तो देखते हैं अपने बारे में क्या लिखेंगे। मैं सीधा साधा लड़का हूँ, वह अपने बड़ों की सही सारी बातें मानता हूँ, साथ ही उनका आदर सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ज़िद्दी भी ज़रूर हूँ। मुझे बाजार का खाना पीना बहुत पसंद है, साथ ही मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे घर में रहना, अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बच्चों हम अपने बारे में क्या लिखेंगे कि मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ और बड़ों की बात मानता हूँ, सबका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन थोड़ा ज़िद्दी भी हूँ, और खाने पीने में मुझे बाजार की चीज़ें बहुत पसंद है, और खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं घर पर अकेला नहीं रहता क्योंकि मुझे घर पर अकेला रहना पसंद नहीं है। तो मैच का आंखों देखा हाल क्या है, दर्शकों की मैदान में भीड़ है, बल्लेबाजी गेंद खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, मीन्स की जो बैटमैन है, इधर गेंदबाज गेंद लेकर भागने लगा, गेंदबाज मीन बॉलर, गेंदबाज जैसे ही गेंद फेंकी बल्लेबाज ने जोरदार हिट लगाया, गेंद सीमा रेखा की तरफ से जा रही थी और 4 रन, इससे साथ ही बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीत लिया। सभी खिलाड़ी दौड़े आए और अपने बल्लेबाज पर पेट थपथपाने लगे। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।